बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये लुक। आप लोग देख सकते हो कि किसका इंस्पायर्ड लुक है। प्रिया प्रकाश वॉरियर जो कि आजकल मोस्ट पॉपुलर गर्ल हैं और उनका मैंने मेकअप लुक क्रिएट करा है। सो आप लोगों के लिए बहुत ही सबसे कम प्रोडक्ट के साथ मैंने यूज़ करे हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख के पता लग जाएगा आप लोगों को कि कितनी कम मेकअप के साथ मैंने ये लुक क्रिएट करा है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और सो प्लीज़ इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मॉइस्चराइजर के लिए ले रही हूँ मैं जॉनसन्स बेबी क्रीम, जो कि थोड़ा मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है, और स्कूल गर्ल्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। अपना मेकअप थोड़ा सा ही करना है इसलिए, सो इसलिए ये मैं ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी क्रीम, और इसे अच्छे से अपने पूरे फुल फेस पे अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जो कि मेरा फेस के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों के फेस के अकॉर्डिंग हो वो आप लेना। सो इसे मैं अच्छे से डिप करके थोड़ा सा ही ले रही हूँ, क्योंकि स्कूल गर्ल्स के लिए फाउंडेशन है। आप बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और कोई कोई डेली नहीं मतलब ये सब नहीं करना चाहता, फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई कर, सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, क्योंकि प्रिया प्रकाश वरियर ने जो कि बहुत ही कम मेकअप के साथ इतना अच्छा लुक क्रिएट करा है। सो क्योंकि वो तो एक और ईयर पे भी वो तो एक फिल्म बना रही हैं, इसलिए उन्हें इतना मेकअप करना पड़ा है, वरना स्कूल गर्ल्स के लिए इतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एचआर का कॉम्पैक्ट पाउडर, इसे मैं एक अच्छे से ब्रश से पाउडर ब्रश से अच्छे से अपनी आँखों के नीचे आईज़ के, क्योंकि वहाँ डार्क सर्कल होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट करना होता है। इसलिए मैं इतने ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है मेरे चेहरे पे, सो मेरे को ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कंसीलर इसलिए मैंने कंसील नहीं किया है, और डेली कोई भी कंसील नहीं करता अपने। उसके बाद मैं ले रही हूँ आइकॉनिक काजल, जो कि मेरा फेव है। सो उसे मैं अच्छे से अपने मतलब थोड़ा सा निकालना है ये, उसके बाद मैं अच्छे से अपने आई एरिया पे जो कि नीचे का जो यहाँ मोटा काजल लगाया जाता है वहाँ ले रही हूँ मैं, और अच्छे से अंदर जिस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से मैं ऊपर और अंदर दोनों साइड फिलअप कर रही हूँ। पहले अंदर का एरिया कवर कर रही हूँ, अपने आँखों के जो कॉर्नर होते हैं उन्हें कर रही हूँ, फिर पीछे की साइड थोड़ा सा एक विंग्स निकाल रही हूँ, उसी टाइप का जैसे प्रिया प्रकाश वरियर ने निकाला है उसी टाइप का, और उसी से मैं लगा रही हूँ लाइनर, जो कि जैसे ही प्रिया प्रकाश वरियर ने उन्होंने लाइनर नहीं लगाया, उन्होंने काजल से ही थिक अप्लाई करके ही काजल से ही थिक अप्लाई करके लाइनर बनाया हुआ है, इसी टाइप से सेम मैं लगा रही हूँ जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम, और एक विंग्स भी उसी से निकाली हुई है मैंने, और नीचे से थोड़ा मोटा बस हाफ आई काजल जो लगाती हूँ मैं ज़्यादातर, वही उन्होंने लगाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो उनसे मैच करती हुई आईज़ हो गई है मेरी, और नीचे की साइड थोड़ा कम है, सो इसे भी मैं फ्लप कर रही हूँ। सो नीचे थोड़ा सा मोटा है उनका काजल मैंने देखा था, सो उसी टाइप का कर रही हूँ मैं। अभी ये इतना हो जाने के बाद मैं अभी थोड़ा सा थिक और कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा आई जोन के जैसे लगने के लिए थोड़ा सा नीचे जो काजल होता है वो मेरा काजल थोड़ा देर में लग पाता है इसलिए, और हाफ तो आपको मोटा करना है, हाफ नहीं करना, तो इतना हाफ कर लेना, और बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैसी हो गई आईज़ बिल्कुल उन्हीं की जैसी। ऐसा ही मैंने सेम फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ एक आई शैडो पाउडर, जो कि आप उसे आईब्रो फिलअप करने के लिए ले रही हूँ। आप लोग जो भी आईब्रो पेंसिल वगैरह भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा उनकी जैसी थिक आईब्रो कर रही हूँ जो कि प्रिया प्रकाश वरियर ने अप्लाई करी है स्ट्रेट किसी टाइप की, सो मैं इसे फिलअप कर रही हूँ थोड़ा मोटा मोटा।
इतना हो जाने के बाद मैं आईब्रो पूरी फ्लप कर लूँगी अपनी, फिर सेकंड वाली आईब्रो भी फ्लप करूँगी उसी आई शेडो पाउडर से जो कि मैंने अप्लाई करा था, वो ये उससे थोड़ी थिक हो जाएंगी तो उनके जैसे लगेंगी। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ लिप कलर जो कि एक मेरे मेकअप किट में आया था, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने एक लिप ब्रश की हेल्प से। तो आप लोग देख सकते हो न्यूड कलर, वैसे मेरे पे न्यूड लिपस्टिक वैसे वाली मेरे को मिली नहीं, सो उनसे मैच करती हुई क्योंकि मेरे को थोड़े डार्क कलर पसंद हैं और उन्होंने न्यूड कलर लगा रखा है, सो मेरा मेकअप फिनिश होता है। दिस इज द फाइनल लुक। हाँ, इंस्पायर्ड प्रिया प्रकाश वरियर जो कि ये मोस्ट पॉपुलर गर्ल हैं आजकल, सो उनके जैसा ही सेम मैंने मेकअप किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को करना है आपको लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को करना है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करना है आपको लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और ये वीडियो में मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है सच में, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो, मेरे बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और मुझे कर लेना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो, और भी मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए सॉरी चाहती हूँ और सॉरी बोलती हूँ आई मीन। और आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाती रहूँगी क्योंकि थोड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ, और आप लोगों को खुश देखना है तो मेरा मतलब और क्यों बने वो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, सो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। सो होप यू आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।